हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आईटीबीपी ड्राइवर 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है, क्या वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है? बच्चों, वैकेंसी के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद कैसे तैयारी करनी है आपको ये भी बताऊंगा, आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन चालू करनी है, कब एग्जाम होगा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और अब क्या करना है। बहुत सारे बच्चों को जो है इसमें दिक्कत आ रही है कि सर क्या इसका एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। सिलेबस भी बताऊंगा, क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी, पिछली कट ऑफ क्या रहने वाली है वो भी इसमें बताऊंगा। एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो को। बच्चों देखिए, 2017 की वैकेंसी की कट ऑफ के बारे में बताता हूँ पहले आपको, कट ऑफ क्या रही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही था कि सर कट ऑफ क्या जाने वाली है, अगर एग्जाम हो जाता है तो कट ऑफ क्या जाएगी इसकी। बच्चों देखिए, इसमें जनरल की कट ऑफ आपकी 58 गई थी। इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक चीज तो ये थी कि पहले इसकी कट ऑफ शुरुआत में जो कट ऑफ गई थी बच्चों, वो गई थी 60 नंबर। 60 नंबर पर इसकी कट ऑफ गई थी, उसके बाद बच्चे उतने नहीं पहुंच पाए तो उसकी कट ऑफ को घटाकर 58 कर दिया गया था। आप समझ सकते हैं इस चीज से कि कट ऑफ घटने का कारण यह है कि इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, यानी बच्चे बहुत कम पहुंचते हैं वहां पे, इसीलिए मेरिट घटानी पड़ती है। ओबीसी की बात करते हैं तो लगभग 56 के करीब है, ये लगभग बता रहा हूं मैं, क्योंकि एक्यूरेट डाटा उन्होंने ओबीसी का नहीं दिया है, ना ही ईडब्ल्यूएस का दिया है। और एससी की बात करता हूं तो एससी की 52 पे गई थी बच्चा, और एसटी की बात करता हूं तो एससी एसटी आपकी 48 नंबर पे यहां पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था बच्चों। ये 2017 की बात कर रहा हूं मैं। वैकेंसी भी आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी 374 थी, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा वैकेंसी थी, लेकिन कंपटीशन इतना कम था कि मेरिट भी घटानी पड़ी थी जो है उनको, क्योंकि 60 में से 58 मेरिट आ गई थी। तो आप समझ सकते हैं कितने अच्छे तरीके से अपनी आप प्रिपरेशन करेंगे, क्या आपको इसमें सिलेक्शन लेना है ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। बात करता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ पूछी जाने वाली। देखिए, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को पैटर्न पता नहीं होता है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। जनरल अगर की बात करता हूँ मैं, जनरल नॉलेज की बात करता हूँ तो 10 जो है क्वेश्चन आपके आएंगे, 10 ही नंबर के बच्चों यहाँ पे होंगे। ये बात करते हैं मैथमेटिक्स की, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 ही नंबर मिलेंगे आपको। हिंदी की बात करता हूँ तो 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर मिलेंगे। इंग्लिश की बात करता हूँ तो 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर मिलेंगे। और ट्रेड टेस्ट की बात करता हूँ तो 60 नंबर का ट्रेड टेस्ट आपका होने वाला है, 60 ही नंबर आपको मिलेंगे। टोटल 100 नंबर की यहाँ पे परीक्षा होगी, आपको 100 ही मार्क्स आपको उसमें मिलेंगे। टाइम की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे लगभग 2 घंटे आपको मिलेंगे, यहाँ पे 2 घंटे में आपको ये सारी चीज़ें समाप्त करनी है। बहुत सारे बच्चों को इसका सिलेबस पता नहीं था, तो बच्चों इसको देख लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपको अपनी तैयारी प्रिपरेशन करनी है तो इसी पैटर्न के आधार पर करना है बच्चों। बहुत सारे बच्चे तैयारी तो करते हैं लेकिन उन्हें पैटर्न ही पता नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। तो यहाँ से ये पैटर्न आप समझ रहे हैं, यानी 10-10 नंबर के आपको ये आएंगे, और आपको ये चीज़ समझ लेनी है। इंग्लिश भी इसमें आपकी आने वाली है, तो ये भी आपकी करनी है आपको। ऐसा नहीं है आपको स्कोर लाना है तो अच्छे से स्कोर अपना लाइएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हैं और यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो मैंने दिए। जैसे इंग्लिश का टॉपिक है आपका, इंग्लिश के टॉपिक्स में आपको सिनोनिम्स यहाँ पे पढ़ने हैं, टेंस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, यानी जो बेसिकली चीज़ है, जैसे आर्टिकल हो गया, वर्ब हो गया, एंटोनिमस हो गया, आपकी ग्रामर हो गई, सब्जेक्ट आपकी वर्ब जो है वो हो गई, आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आपके आएंगे वो हो गई, कॉम्प्रिहेंसिव आपकी हो गई, वोकेबुलरी आपकी हो गई, यानी आप ये समझ सकते हैं जो ट्वेल्थ में आपके टेंथ ट्वेल्थ में आपकी जो इंग्लिश आती है, यानी वही चीज़ इसमें आने वाली है। कुछ ज़्यादा बड़ा इसमें इन्होंने इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं दिया है, बहुत छोटे से टॉपिक हैं, ये अलग अलग टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इनको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बात हिंदी में करते हैं तो यहाँ पे हिंदी में आपका समास हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा, आपका यहाँ पे वचन हो जाएगा, और आपका अलंकार हो गया, जैसे अनेकार्थी शब्द हो गए, लिंग हो गया, गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो हो गए, तत्सम तत्व हो गया। तो मुझे नहीं लगता हिंदी में भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, तो बहुत ही अच्छे से आप इन्हें कर पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज के बारे में। बहुत सारे बच्चे पूछे सर जनरल नॉलेज में कहाँ कहाँ से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आपका करंट अफेयर का पोर्शन इन्होंने दिया है, करंट अफेयर में से आपके क्वेश्चन आएंगे, साइंस में से आपके क्वेश्चन आएंगे, और आपका जो अवार्ड है उनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे, इंडियन और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है उससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे, दोनों से आपको ये कंबाइन करना है। इंपॉर्टेंट डेज जो हैं आपके, जो आपके वो भी आएंगे, इंपॉर्टेंट डेज समझ सकते हैं आप, जैसे 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है इस तरीके से, और पीपल एंड न्यूज़ यहाँ पे जो है आपका ये आएगा। तो मुझे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लगा कि ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में भी आप देख लीजिए, एलसीएम जो है, एचसीएम एलसीएम पूछा गया, यहाँ पे परसेंटेज हो गया आपका, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डाटा और इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हो गया, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और आपका यहाँ पे डेसिमल वगैरह यहाँ पे हो गया। कुछ ज़्यादा चैप्टर भी नहीं पूछे गए यहाँ पे कि आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे करनी है, बहुत छोटी सी चीज़ें बच्चों, तो मुझे लगता है आप इसको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और मैं सभी उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको पहले अच्छे से सिलेबस देख लेना है क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता सिलेबस क्या है और पढ़ क्या रहे हैं वो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं आ जाती है बच्चों। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है अगर सिलेक्शन आपको चाहिए तो। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आता है सर सैलरी क्या रहने वाली है, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर सैलरी, सर सैलरी सैलरी सबसे ज़्यादा, जब भी किसी वैकेंसी को निकालने की कोशिश करता है बच्चा, तो सबसे पहले उसकी सैलरी पर ध्यान जाता है। तो सैलरी इसमें बता देता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे अगर पे की बात करता हूँ तो यहाँ 7 यानी कि सीपीसी में आपका जो 7 लगेगा उसमें आपकी ये आएंगे। लगभग पे स्केल की बात करता हूँ तो 21,700 से 69,100 रुपये आपका होगा, और जो है आपकी
रहने वाली है सैलरी, और बात करते हैं बेसिक पे तो 21,700 आपका रहने वाला है, और ग्रॉस सैलरी की बात करता हूँ 30,000 से 40,000 के बीच आपको यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा सैलरी पर फोकस करते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी, और आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, एग्जाम के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, सर एग्जाम कब होगा एग्जाम। बच्चों देखिए एग्जाम की अभी कोई डेट नहीं है, लेकिन आपको पता होगा जैसे ही दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, ड्राइवर का, सीआईएसएफ का ड्राइवर का एग्जाम हुआ था, तो एकदम से इनका एग्जाम हो गया था, ऐसा नहीं था। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं की है तो वो चालू रखिएगा, बहुत जल्द आपको एग्जाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब तैयारी कैसे करें बच्चों, ज़्यादा समय अगर आपके नहीं निकले तो 2 घंटे, 2 घंटे आपको जरूर देना चाहिए, 2 घंटे आपको इसमें होने चाहिए। 2 घंटे में आपको जितना भी मैटर है आपको वो सब पढ़ लेना है, क्योंकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि इसको छोड़ देना है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ट्रेड टेस्ट आपका 60 नंबर का आने वाला है, तो ट्रेड टेस्ट पे भी आपको ध्यान देना है, और ये चीज़ें आपको लगभग 2 घंटे पढ़नी है, 2 घंटे तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, जो 10 10 नंबर के आपके आने वाले हैं, तो पढ़ने के लिए 2 घंटे आपको जरूर निकालने चाहिए इसके लिए, और सबसे ज़्यादा टाइम आपको ट्रेड टेस्ट के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा ट्रेड टेस्ट में 60 नंबर का ट्रेड टेस्ट होने वाला है, यानी 100 नंबर की परीक्षा में 60 नंबर आपके ट्रेड टेस्ट में, 40 नंबर में आपकी परीक्षा है, 60 में ये है, तो आपको ज़्यादा फोकस ट्रेड टेस्ट पर यहाँ पर लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो, वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।